तो हे गाइस, मैं हूँ किशन ओझा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन ओझा में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है 30 जुलाई और हाजिर है मैं आपके साथ यहाँ पर बिहार के सभी यूनिवर्सिटी की छोटी बड़ी अपडेट्स के साथ। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारी चैनल पे जो भी लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिलते रहेंगे। और आपको ये बता दें कि हमारे चैनल में ये प्लेलिस्ट है, आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा मैथ के फॉर्मूलाज। जो हमारे चैनल पर क्लासेस चल रही हैं, मैथ के सभी चैप्टर के फॉर्मूलाज चल रही हैं। तो कल हमने किया था ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला और आज हमने करने जाना है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का पूरा फॉर्मूला। तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ये क्लासेस आपको मिलती रहे, रेगुलर क्लासेस मिले। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिहार के सभी यूनिवर्सिटी की डेली अपडेट्स आपको मिलती है, साथ में पटना यूनिवर्सिटी का भी अपडेट्स और साथ में करेंट अफेयर्स भी डेली मिलते हैं। और उसके साथ जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हैं तो उनके लिए यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है क्लासेस वीडियोज़ के साथ। तो अभी तक हम 2 क्लास कर चुके हैं, मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी और हीट यानी ऊष्मा का। तो अगला वीडियो जल्दी आएगा, तो उसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। आज का डेली नोटिफिकेशन आज का क्या है, तो आज की हमारी सबसे बड़ी अपडेट निकल कर ये आ रही है कि ठाकुर प्रसाद कॉलेज में BCA के लिए प्रथम सेमेस्टर के लिए एडमिशन की अप्लाई डेट आ चुकी है। वो बहुत पहले ही आ चुके हैं, 6/7/2020 से, लेकिन 31/7/2020 तक ख़त्म भी होने वाली है। तो जो लोगों को ठाकुर प्रसाद कॉलेज में एडमिशन लेना है BCA के लिए, तो फटाफट जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल दें, नहीं तो 31 तारीख के बाद हम नहीं कर सकते हैं। इसका फॉर्म फिलअप करने का रेट मात्र 500 रुपया है। तो चलिए अपने चलते हैं नेक्स्ट अपडेट क्या है। और हाँ, आपको बता दें कि आज 30 जुलाई है और 30 जुलाई के दिन जो लोग इंटर में यानी 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, 10th वालों, आज आपका लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई का। अगर आज नहीं किए तो आज के बाद से कभी बिहार बोर्ड में अगले साल नहीं करना पड़ेगा। इस साल आपका एडमिशन नहीं होगा, तो आज लास्ट डेट है। जो लोग अभी तक नहीं किए फटाफट जाके अपना फॉर्म अप्लाई कर दें 11th के लिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। नेक्स्ट अपडेट हमारा क्या है, नेक्स्ट अपडेट हमारा निकल कर आ रहा है आपके, नेक्स्ट अपडेट हमारा निकल कर आ रहा है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से। तो इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ने अपनी एग्जाम रूटीन जारी कर दी है। तो इसका जो फोटो है आप देख सकते हैं, और अभी मैं इसका फोटो अपने इंस्टाग्राम ID पर डाल दूंगा और साथ में मैं अपने इसको टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको उसका लिंक दिया होगा, साथ में मेरी व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक दिया होगा, वहां से आप जाकर मेरे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपडेट हमारा क्या निकल कर आ रहा है। तो नेक्स्ट अपडेट हमारा निकल कर आ रहा है आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी से। तो आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी मीठापुर जो पटना में है, वहाँ पर फॉर्म की अप्लाई चालू हो चुकी है, वहाँ पर कोई नोटिफिकेशन निकला हुआ है। तो आप मेरे जाके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी DP मिल जाएगी। तो अगला नेक्स्ट अपडेट हमारा निकल कर आ रहा है, नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है UGC ने फिर कहा कि विश्वविद्यालय को सितंबर तक लेनी होगी परीक्षाएँ। संवाददाता पटना के यहाँ छापा गया है, UGC ने गाइडलाइन जारी की है कि सभी विश्वविद्यालयों को सितंबर तक सभी परीक्षाएं ले लेनी होगी, नहीं तो उसके बाद उनको बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। तो हमारे लास्ट अपडेट ये निकल कर आई है। तो आज की हमारी अपडेट खत्म हुई, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। आज का हमारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूलाज का वीडियो होने वाला है, तो जुड़े रहे हमारे चैनल से और उस वीडियो को मिस नहीं करें। धन्यवाद।